मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आए दिन किसी ना किसी शख्स की गुंडा बनने की वीडियो सामने आती है। इसी तरह से एक और वीडियो सामने आई है जिसमें एक शख्स हाथ में धारदार हथियार लेकर कुछ लोगों को डरा धमका रहा है। पहले सुने ये लंबा चौड़ा कदकाठी का ये शख्स किस तरह से लोगों को डरा धमका रहा है। सुना आपने, जनाब का नाम है बादशाह ठाकुर। जनाब कह रहे हैं कि 6 मर्डर का आरोप है इन पर, मगर इनको क्या पता था कि पुलिस के हत्थे जब ये चढ़ेंगे तो पुलिस इन्हें ऐसे रगड़ेगी कि ये डॉन बनने का सपना ही भूल जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल ये पूरा मामला हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन बादशाह ठाकुर की बादशाहियत पुलिस ने कैसे खत्म की, कैसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई और बादशाह भाई हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कैसे दिखे, ये वीडियो भी जरा देख लीजिए। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने एक फाइनेंस कंपनी में बादशाह भाई हाथ में धारदार हथियार लेकर लोगों को डरा धमका रहे हैं। इसी दौरान किसी ने इनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। लेकिन लोगों को डराते धमकाते वक्त बादशाह भाई ये भूल गए थे कि मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसे गुंडों की किस तरह से खातिरदारी करती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भोपाल पुलिस के हत्थे जब ये बादशाह भाई चढ़े तो इनकी गुंडागर्दी पुलिस ने निकाल दी। कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई, हाथ जोड़कर ये माफ़ी मांगते हुए नजर आए और ये भी कहा कि पहली बार ऐसा किया था, अब नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश की पुलिस को खास तौर पर इसलिए जाना जाता है क्योंकि बदमाशों को उन्हीं के अंदाज में पुलिस सबक सिखाती है। और बादशाह भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि गुंडा बनने का सपना इनका चूर चूर हो गया और पुलिस ने इन्हीं के अंदाज में इन्हें सबक सिखा दिया। सॉरी, मैं बोल सकता हूँ।